Assalamu alaikum everyone, welcome to my YouTube channel. Here is lesson number 27 of Ethical Issues in Psychology and the topic is Marketing Professional Services. क्या challenges आते हैं जब हम marketing करते हैं professional services में, मतलब कि advertisement की जाती है. अब जो मतलब के psychologist है वो advertisement भी तो कर सकते हैं, ठीक है, जो therapist है वो advertisements भी तो कर सकते हैं. अब वो किस तरह की जाती है, किस level पे जाके की जा सकती है, किस लेवल पे वो लीगल है और किस लेवल पे इलीगल है, ये चीजें हम फॉलो करेंगे. क्योंकि एपीए के तमाम एथिकल कोड्स दिए गए हैं ना, जिनके उस सर्कल में रहते हुए आप रिसर्चेस करते हैं, आप एडवर्टाइजमेंट्स करते हैं, आप ट्रीटमेंट्स करते हैं, ठीक है. हर किस्म के रूल्स दिए हैं हमें एपीए ने. आप सबसे पहले उन्होंने बताया कि कोई भी आप अगर डिसेप्टिव पब्लिक स्टेटमेंट नहीं दे सकते, कि अपने से बनाई गई कहानी नहीं, मनगढ़ंत कहानी नहीं घड़ सकते, ठीक है, या अपनी बिहाफ पे कोई बात नहीं कर सकते, और आप किसी के दूसरे बंदे के काम को प्रमोट नहीं कर सकते, मतलब कि वो आपका ना हो, आप कहें कि ये मैंने किया है. और थेरेपिस्ट होते हैं वो जो प्रेजेंट ट्रीटमेंट होता है क्लाइंट का उसके बारे में नहीं बात कर सकते, मतलब इस तरह तो उसकी प्राइवेसी खराब हो जाती है. और अगर कोई आप पब्लिक डिवाइस ऑफर कर रहे हैं, ब्रॉडकास्ट या इंटरनेट कम्युनिकेशन के, तो थेरेपिस्ट होते हैं वो क्लियरली साइंटिफिक बेसिस पे जाके एडवाइस देते हैं, मतलब जिस जिसके बारे में उन्हें कंफर्म हो के 100% ये बात ठीक है साइंटिफिकली भी. थेरेपिस्ट जो जो भी उनकी वर्क स्पेसिस होते हैं, मतलब वो थेरेपिस्ट होते हैं अगर वो वर्कशॉप्स अपहोल्ड करते हैं, लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, तो वो नॉन डिग्री एजुकेशनल प्रोग्राम्स नहीं ऑफर कर सकते, ठीक है. अगर वो खुद सर्टिफाइड है देन वो जाके कोई भी नॉन डिग्री एजुकेशनल प्रोग्राम्स जो है वो ऑफर करते हैं और कंप्लीट एक्यूरेसी के साथ करते हैं. यहाँ पे कुछ मोड्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स दिए हुए हैं. द ओल्डेस्ट स्टैंड बाइज, इसमें उन्होंने स्टैंड बेस में बताया कि आपने देखा होगा कि जो पुराने सेल फोन होते हैं, या आई थिंक अक्सर अब में भी ऐसा होता है कि जब आप मोबाइल नया लेते हैं उसमें सिम डालते हैं तो उसमें ऑलरेडी कुछ हेल्पलाइंस के नंबर होते हैं, ठीक है, वहाँ पे आप अपनी हेल्पलाइन का नंबर ऐड कर दिया जाता था, या बिजनेस कार्ड होते थे आप दे देते थे अपने क्लाइंट को. और डायरेक्ट सोलिटेशंस में ये होता है कि आप डायरेक्टली किसी भी रॉन्ग ऐसे बैठे नंबर बनाए कॉल कर दे के भाई मैं बड़ा अच्छा थेरेपिस्ट हूँ और आप मेरे से आकर ट्रीटमेंट करो, अगला बंदे को बेशक डिप्रेशन हो या ना हो, तो ये इलीगल है, ठीक है. रेफरल सर्विसेज जो एक प्राइवेट लेवल पे जाके कॉल्स करके जो है वो रेफर्स किए जाते हैं, वो भी इलीगल काम है. लेकिन अगर आप कोई कंसल्टेशन करते हैं कि आपके आपने एक अपनी हेल्पलाइन रखी हुई है, वहाँ पे कॉल आती है, आप बंदे के साथ कंसल्ट करते हैं और फिर आप उसके साथ अपनी अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, ये लीगल है, ठीक है. और आप अगर आप किसी भी जो आपका क्लाइंट है उसको आप वो आप अगर वो पे नहीं कर पा रहा आपकी थेरेपी को, तो आप उसको स्लाइडिंग फीस स्केल सेट करते हैं उसके लिए, या आप उसको कम्युनिटी क्लिनिक्स की बेस पर कुछ मतलब के लिमिटेड ऑफर्स दे सकते हैं. मॉडर्न एडवर्टाइजिंग मेथड, अब के जो एडवर्टाइजिंग मेथड है वो कौन से, इंटरनेट एडवर्टाइजिंग, सिंपली डिफरेंट वेबसाइट्स पर देख लें आप, और एडवर्टाइजमेंट के एड हर तरह के, जिसमें वो सर्विसेज के बारे में बताते हैं, अपनी फीस के बारे में बताते हैं, अपने सोशल मीडिया नेटवर्किंग के थ्रू ऑनलाइन अपनी एडवर्टाइजमेंट की जा रही होती है, ठीक है, जिसमें होता क्या है कि अपने प्रोफेशनल डेकोरम को मेंटेन रखना और अवेयरनेस देना उस तमाम इंफॉर्मेशन की, जिस तक एक्सेस करके लोग आप तक आप पहुंच सके. आप किसी भी ब्लरिंग बाउंड्री से अवॉइड करें क्लाइंट के साथ, ठीक है, जिसको बाइंग पब्लिसिटी भी कहा जाता है. और पब्लिसिटी मतलब मीडिया आउटलेट से पब्लिसिटी को आप अट्रैक्ट करते हैं सर्विसेज दे के, या आप अनएथिकल भी कंपेंसेट नहीं कर सकते मीडिया के साथ, पर्सनली नहीं जा सकते मीडिया के साथ, ठीक है. इंपॉर्टेंट इश्यूज इन एडवर्टाइजमेंट, अब कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज भी हैं जो एडवर्टाइजमेंट में आते हैं, जिसमें क्या है कि जो हमारे थेरेपिस्ट होते हैं वो कोलीग्स के साथ उन्हें कंसल्ट करना चाहिए, ठीक है, पहले, और वो कोई भी एडवर्टाइजिंग की मतलब जो डिटेल्स है वो किसी दूसरे बंदे को किसी एक पर्सन की नहीं दे सकते, और जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको पहले खुद चेक करना पड़ता है ब्रॉडकास्ट से पहले. और जो भी एडवर्टाइजमेंट्स होते हैं या प्रिंट या ब्रॉडकास्ट की जाती हैं, उसकी एक कॉपी बनाकर उसको डॉक्यूमेंटेशन में अपने पास भी सेव रखा जाता है, और उसके बाद सेव रखना चाहिए. एंड देन एडवर्टाइजमेंट में प्रोएक्टिव जो है वो वेलकमिंग मर्जिनाइज कंपनीज के बारे में प्रोएक्टिव होना चाहिए. थेरापिस्ट को ये कंसिडर करना चाहिए कि जो भी वो सर्विसेज दे रहे हैं वो उसमें वो रेस या रिलीजन या किसी भी दूसरे फैक्टर्स पर ना जाए, ठीक है. तो ये नीचे कुछ एग्जांपल्स भी दिए हुए, तो यहाँ पे हमारा खत्म होता है लेसन नंबर 27. आई होप कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा होगा हो गया होगा, ठीक है. जब इतना पढ़ाने के बाद ना गला खुश हो रहा था, साथ जुबान भी पिसलने लगती है, तो काइंडली आप लोग सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है, लाइक भी कर लिया करें, शेयर भी कर दिया करें. सो मिलते हैं लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़.